हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद विद्या एंड मिक्की में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको आलू आलू और प्याज की भुजिया बनाकर दिखाऊंगी, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी पराठा या पूड़ी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और सच मानिए, गर्मा गर्म बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को नहीं दीजिए, उसके बिना भी आप बना सकते हैं। तरीका वही रहेगा, बस ऊपर से प्याज देना है। तो चलिए देरी ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कढ़ाई को गर्म कर लेना है। तो ये पूरी तरह से गर्म हो गया है, तो यहाँ पर डाल देंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल हमें 2 चम्मच डालना है, बड़े चम्मच से, क्योंकि आलू का जो भुजिया होता है उसमें थोड़ा सा तेल ज्यादा जाता है। अगर आप कम तेल देंगे तो भुजिया अच्छा नहीं बनेगा, यानी चिपक जाएगा। तो अब तेल को एकदम अच्छे से गर्म होने देंगे, धुआं जैसा अगर उठता है तब हम इसे आलू को इसके अंदर डालेंगे। अगर आप कच्चा थोड़ा तेल में डाल देंगे तो ये भुजिया हमारा जो होता है चिपक जाता है। तो पहले इसे गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो गया है तो यहाँ पर डाल देंगे जीरा, मेथी और 2 हरी मिर्च। इन सभी को अच्छे से चटक जाने देते हैं। अब ये अच्छे से चटक गए हैं तो इसे डाल देंगे आलू। आलू डालने के बाद इसे अच्छे से भुनेंगे। आलू डालने के बाद अब इसमें डालेंगे हल्दी। पहले आप नमक भुजिया में मत डालिए, थोड़ा सा जब पक जाएगा तब जाकर इसमें नमक डालेंगे। पहले आप डाल देंगे तो ये आलू जो है चिपक जाएगा, इसलिए पहले नहीं डालते हैं। तो पहले इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए, भुजिया हमारा आधा पक चुका है। ये देखिए, एकदम नहीं चिपक रहा है। तो अब यहाँ पर डाल देंगे कटा हुआ प्याज। पहले शुरू में नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज है जल जाता है, जल्दी पक जाता है, इसलिए अब नमक डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो पहले आधा आलू भून लेंगे, उसके बाद प्याज डालेंगे और नमक। अब इसे क्रिस्पी करके हम इसे भून लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा, अच्छा ये क्रिस्पी बन रहा है भुजिया। और मैं आपको भुजिया परफेक्ट बनाने का तरीका बता रही हूँ कि आप गैस को कभी भी धीमा करके आलू का भुजिया नहीं बनाइएगा, नहीं तो वो पक क्या होगा, कढ़ाई में चिपक जाएगा। गैस को तेज करके ही भुजिया बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है और चिपकता नहीं है। और ये देखिए फ्रेश फ्रेश बनता है, ये देखिए। और ये बहुत ही अच्छा प्याज भी हमारा गल चुका है, एकदम पक चुका है। अब इसे बस और 1 से 2 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हमारा भुजिया बनके तैयार हो जाएगा। आप इसे रोटी पराठा या चावल के साथ भी खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे किसी भी चीज़ के साथ खाने से अच्छा लगता है। तो बस इसे पकने देते 1 से 2 मिनट और। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट के बाद ये हमारा बहुत ही अच्छा परफेक्ट हमारा भुजिया बन गया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, हमारा भुजिया परफेक्ट बन चुका है। तो बस अब इसे उतार लेते हैं और इसे पराठा रोटी या किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। तो चलिए इसे सर्व कर देते हैं। तो ये लीजिए, आलू और प्याज की भुजिया बनकर तैयार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।